जिक्र की बात बहुत खूबसूरती से बयान हुई। हमारे यहां एक तस्वुर यह पाया जाता है कि अल्लाह का जिक्र करना ये एक बस अच्छा काम है, कर लें तो कर लें, वरना कोई ऐसी बात नहीं। ऐसा नहीं है। फरमाया जिक्र हर हाल में करना चाहिए और इसको जिंदगी का एक शियार बना लेना चाहिए। एक बदू हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगे, या रसूलल्लाह, इन शराए अल इस्लाम कद कसरत अलैया, अखबरनी बिशयइन अतशब्बसु बिह, या रसूलल्लाह ये इस्लाम के अहकाम तो मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं, ये तो अमल नहीं होगा। एक चीज आप मुझे बता दें, उसको मजबूती से पकड़ लूं, दांतों से पकड़ लूं, उस पर खूब अमल करूं। आप ला यज़ालु बिसानुका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह, पर ऐसा कर लो कि तुम्हारी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहे। एक वहम हमें ये पाया जाता है कि ये जो हम नमाज पढ़ लेते हैं तो नमाज तो अल्लाह का जिक्र है और जिक्र की बेहतरीन शक्ल है, और इसके बाद अब जिक्र करने की क्या जरूरत है। अजीजान ग्रामी, इस आयत पे गौर फरमाएं। ये 104 है सूरह अन्निसा की। फरमाते हैं कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, विदा कदई तुम उसलात फ़ज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला ज़ुनूबिकुम, जब तुम नमाज से फारिग हो चुको तो फिर खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, लेटे हुए भी, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहो। और इसीलिए एक जगह यूं फरमाया, वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा काम है। अल्लाह को याद रखना, उसका ध्यान रहना। गुफ्तगू किसी से हो, तेरा ध्यान रहता है, टूट टूट जाता है सिलसिला तकल्लुम का। और जिगर मुरादाबादी ने कहा, न गरज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। तो ये अल्लाह के नाम का जिक्र करते रहना और उसको अपनी आदत बना लेना, ये बहुत बड़ी बात है।